एक फकीर जंगल में बैठा था और वहां बैठे बैठे वह रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटते हुए आते जाते देखा करता था। फकीर अक्सर उस लकड़हारे की दीनता, उसके फटे कपड़े और उसकी हड्डियों से भरी हुई देह पर चिंता जाहिर करता था। उसे दया आ गई। एक दिन लकड़हारे को जब निकलता देखा तो उसके चरण छू लिए। एक दिन उसने कहा कि कल जब तू लकड़ी काटेगा तो आगे जाना, और आगे जाना। लकड़हारा कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर फकीर क्या कहना चाहता है, और वह थोड़ा सोचकर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते वह सोचता है, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि फकीर ने जो कहा है, मैं आज जहां भी पहुंचूं उससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा। और वह वैसा ही करता है। जब वो जंगल के उस हिस्से में आता है जहां वो अक्सर लकड़ी काटता रहता है, उससे थोड़ा और आगे चले जाता है और वह आश्चर्यचकित पाता है कि उसके आसपास में सुगंध भरा वातावरण है। और इस सुगंध वातावरण में जब वो झाड़ों को देखता है तो उसके आमने सामने आसपास चंदन के वृक्ष हुआ करते हैं। वहां तक यह कभी गया ही नहीं था, इसीलिए उसे बड़ा अचंभा हुआ। उसने चंदन की लकड़ियां काटी, चंदन को बेचा तो उस रात वह खूब रोया, दुख में भी और खुशी में भी। दुख इसीलिए कि वह ये कर ही नहीं पाया, वो सोच ही नहीं पाया, और खुशी इसीलिए कि पहली बार उसने चंदन की लकड़ियों को बेचकर बहुत अच्छा कुछ कमा लिया था। दुख में और खुश में इसलिए भी कि अगर यही लकड़ियां अब तक काटकर बेच दी होती तो करोड़पति हो जाता, पर अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गया था, समय कम था, अब सिर्फ गरीबी मिट सकती थी। दूसरे दिन जब वह चंदन की लकड़ियों को फिर काटने के लिए उसी राह निकला तो ख्याल आया कि फकीर ने यह नहीं कहा था कि चंदन की लकड़ी तक जा, उसने कहा था और आगे जा। तो आज उसने चंदन की लकड़ियां ना काटी और आगे चला गया तो देखा कि चांदी की एक खदान है। फिर तो एक अनोखा सूत्र उसके हाथ लग गया, आगे और आगे, फिर और आगे गया तो सोने की खदान मिली, फिर और आगे गया तो हीरों की खदान पर पहुंच गया, और आगे जब तक कि हीरे की खदान ना आ जाए, उसको ही हम परमात्मा कहते हैं। जब लकड़हारे की तरह लकड़ियां ही बेच रहे हो, जीवन भर थोड़ी ही दूर आगे चंदन के वन है, तुम विचारों में ही उलझे हो, जहां लकड़ियां ही लकड़ियां है, बड़ी सस्ती है उनकी कीमत, थोड़े निर्विचार में चलो, चंदन के वन है, बड़ी सुगंध है वहां, और थोड़े गहरे चलो तो समाधि की खदान है, और गहरे चलो तो निर्विकल्प समाधि की खदाने हैं, और गहरे चलो तो स्वयं परमात्मा है। योगी कदम कदम जाता है, रुक रुक कर जाता है, कई पड़ाव बनाता है, भक्त सीधा चला जाता है, नाचता हुआ जाता है, रुकता नहीं, पड़ाव भी नहीं बनाता, वह सीधा तल्लीनता में डूब जाता है। योगी से भी ज्यादा हिम्मत भक्त की है, नास्तिक से ज्यादा हिम्मत आस्तिक की है, योगी से भी ज्यादा हिम्मत भक्त की है, क्योंकि भक्त सीढ़ियां भी नहीं बनाता, एक गहरी छलांग लेता है जिसमें अपने को डुबा देता है, मिटा देता है। इस अनुभव पर आना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जीवन अगर सार्थक बनाना है तो ऐसा सोचना जरूरी है।